5 नवंबर, एक ऐतिहासिक फैसला। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। बड़ा फैसला और उतना ही बड़ा भरोसा। भरोसा ये कि नोटबंदी से काले धन पर लग जाएगी पाबंदी। ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी। काले धन को के लिए बहुत सही कर रहे हैं, जो काम हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है, कंट्री के फेवर में है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया आज आपको दिखा रहा है कि कैसे लालच में डूबे कुछ लोगों ने आपके इस भरोसे का कत्ल कर दिया। जिनके भरोसे सरकार ने काले धन पर सबसे बड़ा वार किया, उनमें से ही कुछ लोगों ने शुरू कर दिया काले को सफेद करने का कारोबार। किसी के अकाउंट से हम ब्लैक मनी को नेफ्ट मारूंगे, हमें को दिक्कत है लोन के अकाउंट से। जिन बैंकों के सामने लगी कतार को हम और आप सलामी दे रहे थे, उन्हीं बैंकों में से कुछ के भीतर शुरू हो गई नियत की नीलामी। 40,000 घर के देखो आस पड़ोस के देखो, कैश उनका होगा, कैश उनका हो, कैश आपका होगा, अकाउंट रिसीवेबल वालों। नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगाने का फॉर्मूला प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा, लेकिन कुछ बैंकों में एक काली कुर्सी ने उसे फेल करने का प्लान तैयार कर लिया है। काली कुर्सी के खेल का पर्दाफाश कर रही है न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, ऑपरेशन काली कुर्सी। न्यूज 18 इंडिया पर आज हम आपको दिखाएंगे काले धन पर सबसे बड़ा खुलासा। खुलासा उस कुर्सी का जो काले धन को सफेद करने की पूरी कहानी बताती है। ये कुर्सी है बैंक मैनेजर की, जिस वक्त चंद पैसों की खातिर बाप बैंकों की लाइन में लगकर खड़े रहते हैं, ठीक उसी वक्त कुछ बैंकों के मैनेजर काले धन को सफेद करने के कारोबार में लगे थे। ऐसे ही कुछ बैंकों के मैनेजर को बेनकाब किया न्यूज 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पूरा देश लाइन पर आ गया और ये लाइनें खबर बन गई। मजदूर से लेकर मालिक तक सब कतार में थे। मुश्किलें थी, लेकिन एक भरोसा भी था जिसने मुश्किलों को जज्बे में बदल दिया। भरोसा ये कि नोटबंदी से काले धन पर लगाम लगेगी। अगर हम अपने देश को अपना घर समझें, तो घर में अजीब तरीके की कभी भी परेशानी आती है तो उसको उस हिसाब से टैकल किया जाता है। भाई वो काला धन का समय कर रहा है तो ठीक ही है। उम्मीद थी कि सरकार के फैसले से काले धन के कुबेर बेनकाब होंगे, काली कमाई का खेल खत्म होगा, मगर खेल नहीं रुका। रुकता कैसे? जिनके भरोसे सरकार काले धन पर वार कर रही थी, उनमें से ही कुछ लोगों ने शुरू कर दिया काले को सफेद करने का कारोबार। ऐसी ही एक जानकारी हमारी खुफिया टीम को मिली कि बैंकों में काले धन को सफेद किया जा रहा है, जिसमें बैंक के अधिकारी की मिलीभगत है। हमारी खुफिया टीम सच की पड़ताल के लिए सबसे पहले पहुंची हरियाणा में सोनीपत के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। जब हम इस बैंक में पहुंचे तो यहां कैश खत्म हो चुका था और बैंक कर्मचारी भी फुर्सत में बैठे थे। पैसा कुछ अमाउंट था वो हमें एडजस्ट करवाना था अकाउंट्स में या जो भी है। मोदी ने तो एक रात में जी रद्दी बना दी है। हमारा अमाउंट लिंक ज्यादा है, 6 CR के करीब है। शुरुआत में तो मैनेजर साहब ने साफ मना कर दिया कि यहाँ काली कमाई को सफेद नहीं किया जाता है, लेकिन बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी
तो बैंक मैनेजर साहब काली कमाई को मैनेज करने के तरीके बताने लगे। मैनेजर ने हमें बताया कि कई सारे अकाउंट खोलकर उसमें काली कमाई को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हर अकाउंट के लिए अलग आईडी प्रूफ का इंतजाम करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने अकाउंट खुलवा सकते हैं? कितने खुलवाओगे बताओ? कितने? दो दो लाख रुपए जमा कराओगे? सो अकाउंट हम 2 करोड़ हो गए। 2 करोड़ हो गए। सो अकाउंट खोलने पड़ेंगे। ये मटले में खोल कर जो भी सेवा पानी रहेगा जी, हमारी तरफ से कोई दिक्कत ना है कि हमारा भी तो फायदा हो रहा है। आईडी प्रूफ भी तो चाहिए ना, अकाउंट आईडी प्रूफ तो अरेंज करवा देंगे। रकम 6 करोड़ थी और मैनेजर साहब को इस काले धन की पूरी चिंता थी। वो बखूबी जानते थे कि नए खाते खोलने से भी एक काली रकम पूरी तरह सफेद नहीं हो सकती थी, इसीलिए मैनेजर साहब ने अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया और फिर एक ऐसा तरीका निकाला जो प्रधानमंत्री मोदी के फॉर्मूले को फेल करने के लिए काफी था। और इसके अलावा और क्या जुगाड़ हो सकता है? नेफ्ट आप मरवा नहीं सकते? वो तो नहीं, कहाँ से ब्लैक मनी कहाँ से करवा देंगे? सीसी के अकाउंट से हम ब्लैक मनी को नेफ्ट मारूंगे आपने, को दिक्कत है लोन के अकाउंट से? क्योंकि हमारी कंपनी का टर्नओवर ऑलरेडी हमने 15 करोड़ शो किया हुआ है। अच्छा, अब ये 7-8 करोड़ जाती सीधा 50% अप हो जाता है। हमारी सीसी है 1.5 करोड़ की। ठीक है, मान से 1.5 करोड़ लेके ना अपने लोन अकाउंट में डाल दूंगा, आपको NEFT करना है। ठीक है, तो उसमें ठीक करा आपने? ये तो मुझे अपने CA से पूछना पड़ेगा। यहाँ पर मनीत सांगवान जिस CC यानी कैश क्रेडिट अकाउंट की बात कर रहे हैं, जरा उसके बारे में भी जान लीजिए। कैश क्रेडिट अकाउंट के तहत बैंक ग्राहकों को खाते में जमा रकम से ज्यादा का लोन देने की सुविधा देता है। मनीत कालेधन को उसी कैश क्रेडिट अकाउंट में जमा करने की बात कह रहे हैं। मैनेजर साहब अब हमसे पूरी तरह से खुल चुके थे। उन्होंने हमसे कहा कि नकद आधार खाते के जरिए करोड़ों रुपए काले से सफेद हो जाएंगे और इसकी सरकार को भी भनक नहीं लगेगी। तो इसमें हमें क्या फायदा हो जाएगा? कैश तो मेरे दोनों अकाउंट में जमा होगा ना। ठीक है, हाँ। वो तो मैं बताऊंगा ना, तो कैश कितना आया। ठीक, वो तो नोटिस तो मेरे पास आएगा ना। हाँ। मतलब डायरेक्ट उसमें सीसी में अपने पैसे जमा कर रहा हूं मैं, देता रहूंगा जमा। ठीक है, हमारे काले धन को सफेद करने की पूरी जानकारी मैनेजर साहब ने ली। अगर पूरा खप जाए 7 करोड़ तो फिर तो हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं। फिर तुम नया डेबिट कार्ड लाना। हां, अब ये पूछ नेफ्ट में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैनेजर साहब ने बताया कि काले धन को सफेद करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। अब काले धन को सफेद करने की डील फाइनल हो चुकी थी। ये मैं अपने CA से पूछ लूंगा। लोन में ही है, जैसे सीसी में जमा करवा के नेट हो सके, वैसे और कोई इलाज नहीं इसका। ठीक है, तो हमने तो लोन ले रखा है, हम लोन अपने ना पे कर सके। ठीक है, सीसी का मतलब कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट तो सीसी अकाउंट किसका रहेगा? बैंक का। बैंक का। ठीक है, ये काफी हद तक ठीक लग रहा है। तो क्या हिसाब किताब रहेगा भाई साहब? यह हमें कोई काला धन सफेद नहीं करना था, हम तो बस जानना चाहते थे कि क्या बैंकों में भी इस तरह का कोई खेल चल रहा है। लेकिन ये खेल तो बैंक की खास कुर्सी से ही ऑपरेट हो रहा था। महज कुछ ही देर में ही मैनेजर साहब ने काले धन को सफेद करने का सारा तरीका बता दिया। विश्वास कुमार के साथ हरीश शर्मा, सोनीपत, News 18 India।
कच्चा चिट्ठा में आप देख रहे हैं ऑपरेशन काली कुर्सी। इसके बाद हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने रुख किया एक प्राइवेट बैंक का। हमारी टीम को उम्मीद थी कि शायद वहां के हालात कुछ अलग हों, लेकिन बैंक के अंदर जाने पर पता चला कि सिर्फ जगह नहीं थी, कहानी वही है। काले धन को सफेद करने की कहानी यहां पर भी जारी थी। यह सोनीपत का एक्सिस बैंक। बैंक के बाहर लंबी कतार थी, कोई पुराने नोट बदलने के लिए खड़ा था तो कोई इस चिंता में था कि नए नोट मिलेंगे या नहीं। चिंता इस बैंक के मैनेजर को भी थी, लेकिन जनता की नहीं बल्कि काले धन को सफेद करने की। बैंक मैनेजर कार्तिक शर्मा से हमारी मुलाकात बैंक के अंदर हुई। 10,000 बच्चे, 10,000 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। हमने बिना वक्त गवाए सीधा मुद्दे की बात की। हमने मैनेजर से कहा कि हमारे पास कई करोड़ रुपए का काला धन मौजूद है और हम इसे सफेद करना चाहते हैं। बैंक मैनेजर ने काले धन को सफेद करने के लिए साफ मना कर दिया और हिदायत भी दी कि ये वक्त अभी सही नहीं है। लेकिन बात जैसे जैसे आगे बढ़ी तो मैनेजर साहब की दिलचस्पी भी बढ़ती गई। इसके बाद उन्होंने हमें काले धन को सफेद करने के तरीके बताने शुरू कर दिए। सर बंदों के जेनुइन बंदों के जितने मर्जी सारे खोल दो, आप 1,000 खोलोगे मैं 1,000 खोलने के तैयार हूँ, 2 दिन में खोल के दूंगा, फेक कोई नहीं होगा। अच्छा जेनुइन करते खोलेंगे, जितने खोलोगे 1,000 में 1,000 के साथ में, हाँ 2.5 लाख में या 3 लाख में करूँगा, 2.5-3 लाख डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2.5-3 लाख में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप डाल लो एकदम 10-10-15 लाख, मुझे भी ना कहना। 2.5-3 लाख सबको बताते हैं, सर सबके घरों में पड़े होते हैं इतने पैसे, आप मोदी घर में देखोगे, मोदी घर में 2.5-3 लाख मिलेगा आपको। अचानक में 10 लाख ना डालो, 5 लाख में डालो, 2.5 लाख बोल रहा हूँ। मैनेजर के मुताबिक नए अकाउंट बैंक में खुलवाओ और हर खाते में 2.5 लाख रुपए जमा करो। 2.5 लाख बोल रहा हूँ, पिछले एक हफ्ते के अंदर एक्सेस बैंक में 80,000 खाता है। 80,000 हमारी ने तो सर कम खोला, हमारी 350-350 एक हफ्ते के अंदर, हम महीने के अंदर 70-80 खोलते थे, 6-7 दिन के अंदर 350 खोलते। मैनेजर साहब ने ये भी हिदायत दे डाली कि अकाउंट खुलवाते वक्त आधार कार्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आधार कार्ड से पहले अकाउंट खुलते रह सकते हैं, वोटर कार्ड से खोल लो, पासपोर्ट से खोल लो, लाइसेंस से खोल लो, पहले मोदी ने सबको आधार कार्ड लिंक करा दिए और खुशी के मारे सब बोल के आधार कार्ड लिंक करो करो करो, फिर क्लेश करते रहे, कंप्लेंट डाला करते रहे, बैंक हमारा कर नहीं रहा। अब लाइसेंस से खोल लो, वोटर कार्ड से खोलो, इतनी आईडीज होती है, आधार नंबर से आपको मैं यहीं से दिखा दूंगा, आपकी जगह कैसी है बताऊँ, फिर और बताऊँ, आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज कराना है, फिर बायोमेट्रिक पढ़ाओ लाल रंग का, आपका फ़ोन नंबर सब कुछ, कार्ड वगैरह कुछ नहीं है सर, इस पर फिंगरप्रिंट डालो, वहीं ट्रैक हो जाएगा कि आपकी जगह। अब बारी थी अकाउंट खुलवाने की। हमने उनसे पूछा कि करोड़ों का काला धन सफेद करने के लिए कितने अकाउंट खोलने पड़ेंगे, तो सुनिए उनकी सलाह। मतलब इसके हिसाब से कितने अकाउंट खोलने चाहिए? 40-50 अकाउंट खोल लो, 60 अकाउंट सर वो अपने घर के देखो, आस पड़ोस के देखो, कैश उनका होगा, कैश उनका होगा, कैश आपका होगा, अकाउंट उनके खुलवा लो, यहाँ पे तुम्हारे पास पड़ा रहेगा अगले मंथ। आपने डाल दिया, आपको देखिए ना, आपको किसका खुलवाने का है, जो खत्म करवा दो, 1.5-2 करोड़ का रेंज आप ऐसी करा दिए, फिर 60 खाते में 1.5 करोड़ रेंज हो ही गया, पकड़ लग रहे थे 1.5 करोड़ की एंट्री, 2.5 लाख की एंट्री दिसंबर की लास्ट में मार देना, एक बार हो गया 3 करोड़ रेंज, ऐसे हो गए। अब आप समझ गए होंगे कि बैंक के अधिकारी कितनी ईमानदारी से अपने काम में लगे हुए हैं। हो गया 3 करोड़ रेंज। बैंक के बाहर लोग कतारों में परेशानी झेल रहे हैं,
और अंदर कुछ लोग काली कमाई को सफेद करने का खेल खेल रहे हैं। विश्वास कुमार के साथ हरीश शर्मा, सोनीपत न्यूज 18 इंडिया। काले धन को सफेद करने की कहानी ब्रेक से पहले हमने आपको जहां तक दिखाई वहां पर खत्म नहीं होती। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक और बैंक की पड़ताल की, हमने वहां क्या देखा देखिए आप भी। नोटबंदी के बाद बैंकों के बाहर जनता परेशान थी, तो अंदर बैंक के कर्मचारियों की मुश्किलें भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन इन बैंकों में ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो काले धन को सफेद करने की जुगत में लगे थे। दो बैंक मैनेजर के काले कारनामों से तो आप वाकिफ हो चुके हैं, अब बारी थी कुछ और बैंकों की। इस बार हमारी खुफिया टीम पहुंची सोनीपत के सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की एक और ब्रांच में। यहां हमारी मुलाकात हुई बैंक मैनेजर तरुण छाबड़ा से। मैनेजर साहब ने भी काले धन को सफेद करने का तरीका हमें बताया। तो हमारे ये माल 6 करोड़ इकट्ठा हम करवाते हैं, तो हमें कितने अकाउंट खुलवाने पड़ जाएंगे अंदाजा? देख लो आप, डिवाइड करो 2.5 लाख से। 2.5 लाख से ना, 60 पे तो आपका बैठता है 1.5 करोड़, 240 आईडी तो बड़ा मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। 100-125 तक तो हो सकती है हमारी। वो भी कहो जी, एक ब्रांच में मत खुलवाना, फिर अलग अलग अकाउंट अलग अलग ब्रांचेस में खुलवाना। ये अकेली ब्रांचें और भी हो जाएंगी यहाँ इस रीजन में? 45-46 ब्रांचेज हैं टोटल इस रीजन में। मेन ब्रांचेस हमारे सारे रोहट है, विराटगाना है, राइट है, सेविंग, मतलब इस सराउंडिंग में बहुत सारी ब्रांचेज हैं। तो सब में करवाएं? सब में करा सकते हो, क्योंकि एक जगह कराओगे तो डाउटफुल हो सकता है। मतलब 50-50 अकाउंट खुलवा लें ऐसा कर लो, कोई प्रॉब्लम वो ज़्यादा ठीक है। 35 जगह हर जगह खुलवा लो, एक बड़ी बात करनी पड़ेगी आपको सब जगह जाकर। तो आपके अगर लिंक होंगे आपके बाकी ब्रांच में, आपको सोनीपत ब्रांच के मैनेजर के पास भेज देता हूँ, वो यहाँ पे स्केल 4 है, सबसे बड़े वही हैं। तरुण छाबड़ा की बातों से ये साफ हो गया था कि कई सारे अकाउंट खुलवाएं और ब्लैक को व्हाइट करिए, क्योंकि मोदी ने भी उन लोगों को पहले ही क्लीन चिट दे रखी है जिनके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए तक जमा है। उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर बैंक धड़ल्ले से नए खाते खोलने पर जोर दे रहे हैं और इसके बदले मोटा कमीशन ले रहे हैं। अगली कड़ी में इसी बैंक के एक और ब्रांच मैनेजर निशांत जैन से हमारी मुलाकात हुई। एक्चुअली हमारा 6-7 करोड़ हमारे ओनर के पास कैश है, बाकी सब तो हमने कुछ खाते खुलवाए थे अपने दिल्ली ब्रांच में, लास्ट में उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो 7 CR जो हमारा, जो क्योंकि 15 करोड़ का टर्नओवर है हमारी कंपनी का ऑल ओवर पूरे साल का जो हम शो करते हैं, ये 7 करोड़ का अगर अपने अकाउंट में डालते हैं तो एकदम पूरा अगला पीछा सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसका कोई उपाय बताइए सर, आप बताइए। हमें तो लगा कि काले धन को सफेद करने की बात सुनकर मैनेजर साहब पुलिस या इनकम टैक्स विभाग को सूचना देंगे, लेकिन वो तो सीधा मुद्दे पर आ गए। एक साथ तो पूरे लेके आने बंदे ठीक नहीं होंगे। नहीं, 15-20 खोल लो, 10-15 अकाउंट आज में खोले होंगे। अच्छा, जो यहाँ के बंदे खुलवा रहे हैं सोनीपत के खोल रहे होंगे। सर जैसे हम रोज 20 बंदे लिए आए बैंक में, भी मिलेगी तो 10-12 बंदे लियो, 10-12 बंदे आप भेज दो, उनके अपना इंट्रोडक्शन देखो किसकी कौन देगा यहाँ पे, जिसका अकाउंट वो इंट्रोडक्शन देगा। एक बंदे की इंट्रोडक्शन हो जाए तो कैश हमें लाना पड़ेगा, आप उठवा सकते हैं दिल्ली से? नहीं, कैश लाना पड़ेगा, लाने में भी दिक्कत है। आपके ज़्यादा 2-2.5 लाख करके भी तो आएंगे। 2.5 लाख एक, मतलब एक दिन में अगर हम 12-15-20 अकाउंट खुलवा रहे हैं, 20 अकाउंट, कोई बात नहीं, 50 लाख हो जाएंगे। सुना आपने, प्रधानमंत्री ने 2.5 लाख रुपए तक अकाउंट में जमा करने वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करने की बात कही, और अब कुछ बैंक मैनेजर इसका फायदा उठाते हुए नए खाते खुलवाने की सलाह दे रहे हैं, खासकर उन लोगों को जो अपना काला धन सफेद करना चाहते हैं। विश्वास कुमार के साथ हरीश शर्मा, सोनीपत न्यूज 18 इंडिया।
और कच्चा चिट्ठा में आज के लिए बस इतना ही।